कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। इस सब इतना अच्छा मौसम और अरे गाइस पहले इनकी सुन, ये सोने की जगह है और ये बैठने की जगह है मायरा की। और देखा आप लोग ने मायरा ने क्या बना के रखा है यहाँ पर और कहाँ बन रहा है खाना। तो चलिए देखते हैं मायरा क्या कर रही है। और ये देखिए मायरा इतना ज़्यादा अकेले ही उधम मचा रही हैं क्योंकि अफनान तो कर रहे हैं स्टडी, अफनान के अंदर टीचर बैठे हुए हैं वो पढ़ा रहे हैं और मायरा यहाँ कर रही है बहुत ज़्यादा उधमबाजी। सारे चेयर्स की ये जो गद्दियाँ होती हैं ये उठा लाई हैं। क्या बनाने जा रही हूँ इसका बैठने वाला, वो टेंट गिरा मायरा का गिरने वाला है। और फ्रेंड्स माशाल्लाह से अल्लाह पाक का रहम है, अल्लाह पाक का शुक्र है, इतना अच्छा मौसम हो गया है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत बहुत प्यारी हवा चल रही है, ठंडक हो गई है। जो गर्मी हुई थी बीच में सारी गर्मी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है और पेड़ भी इतने मस्त मस्त अपनी हवा चल रही है पेड़ों में। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह से परचम भी कितना अच्छा लहरा रहा है। ये देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। ये देखिए हमारा पप्पा आया। हाँ जी बेटा, कोई भी चेयर नहीं बचने वाली लगता, सब निकाल लोगी। पहले यहाँ आइए, पहले साल तुम करिए, आवाज़ से करिए, शमाली तुम, फिर से एक बार शमाली। ये सलाम कर रही थी। लेटने की जगह है, ये क्या है, ये क्या है, भूल गई मैं इसका नाम। ये क्या है, ये टेबल है। कौन सी टेबल है, पिंक वाली नहीं, इसका टेबल का नाम क्या है? अभी तो बोला आपने कौन सी टेबल है, ये डाइनिंग टेबल। यस, ये तूला। और शाम का टाइम है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है और अभी मैंने आप लोग को दिखाया था हवा कितनी अच्छी चल रही है। गाइस गाइस बोल के मायरा ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है। क्या गाइस, ये देती है मायरा, बस जब भी कैमरा उठाती है तो मायरा कैमरा भी ला रही हूँ। तो मायरा फिलहाल इस टाइम कुछ नहीं बोलने देंगी, पहले मायरा से निपटती हूँ। और अभी अफ्तार होने में थोड़ा सा टाइम है, अभी असर की जस्ट अभी असर की अजान हुई है और अभी नमाज़ पढ़ना है अफ्तारी थोड़ी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज की जो रेसिपी है वो आलू प्याज के जो पकौड़े मैं कैसे बनाती हूँ वो रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज काट ली है, धनी की पत्ती काट ली है और मैं इसमें एक आलू भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक आलू भी काट के बीच में से उसको पानी में डिप करके रख दिया है। तो चलिए हमारा सारा सामान कट चुका है, अब चलते हैं पकौड़े बनाने की तरफ। तो सबसे पहले प्याज जो है एक बाउल में निकाल लेंगे, उसके बाद प्याज को जो है हाथ से ऐसे मसल लेंगे ताकि ये जो प्याज है सब अलग अलग हो जाए, ये सब आपस में चिपकी रहेगी तो पकौड़े जो हैं क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरीके से करने से पकौड़े जो हैं क्रिस्पी बन जाते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दी। अब मैं इसमें जो आलू मैंने कट के भिगो दिया था अब उसको ऐसे बारीक बारीक सा कट कर लूँगी लंबाई में, जितना बारीक कट करेंगे उतने ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बारीक बारीक सा कट कर लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस और वो इस तरीके से ऐड करूँगी मैं। इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी बेसन, जितना बेसन हमें चाहिए होगा हम ऊपर से ऐड करेंगे, पहले से हम इसका एक घोल बना के नहीं रखेंगे, उससे बेसन ज़्यादा हो जाता है और पकौड़े उतने जो हैं क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 2 से 2.5 चम्मच के करीब। उसके बाद मैंने ज़रा सी मिर्च डाली है क्योंकि मैं मिर्च कम ही डालती हूँ और मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने डाला इसमें भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला। बस थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ना कि एक घोल बनाना है, बस बेसन को और सारे सामान को जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं उन सबको जो है मिक्स करना है आपस में। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गए हैं। तो बस अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था तो वन बाय वन करके डालेंगे, बाकी के पकौड़े जैसे फ्राई होते रहेंगे वैसे निकालते रहेंगे जब तक कि पकौड़े हो रहे हैं फ्राई। और आप लोग अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ये देखिए पकौड़ा का कलर कितना अच्छा सा आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको जो है बहुत तेज़ गैस पे भी नहीं फ्राई करेंगे और बहुत स्लो गैस पे भी फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम गैस रखनी है ताकि
पकौड़े सिक भी जाएं और जले भी नहीं। और उसके बाद मैंने ये मिर्चें काट के रखी थी, ये वाली मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं, तो यहाँ पर मैंने मिर्चें भी फ्राई कर ली। इसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर नहीं की, मैंने सिर्फ प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करी थी। तो बस यहाँ पर जो है हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल तैयार है, पकौड़ियाँ हमारी बन गई हैं और मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी बना ली थी। हमारे घर में ज़्यादा पकौड़े वगैरह खाए नहीं जाते हैं, बस दो तीन, मतलब मैं और एक दो लोग और हैं जो खाते हैं पकौड़ियाँ, बाकी बच्चे और ये अम्मी और मेरे हस्बैंड वगैरह यहाँ पर करते हैं, कोई भी ज़्यादा पकौड़ियाँ नहीं खाते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी ज़रा कम ही रखती हूँ मैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।